और इनको मिर्चें खाने का बहुत शौक है, तो लिहाजा हम इनको आज खिलाएंगे जबरदस्त मिर्चें। वैसे सवाल इनके बहुत मुश्किल नहीं है। मुझे एक बात लगा कि इतने सिंपल लोग हैं ये दोनों, कि ये तो कोई कॉन्ट्रोवर्शियल ना इनकी बात है, ना कुछ इनके बारे में मशहूर है, तकरीबन कोई स्कैंडल भी नहीं है, तकरीबन मैंने कह दिया कि कोई एक हद बन जाता है कभी कभार जो कि अच्छा अमर कभी कभार अमर एक जमाने में जो पेयरिंग और स्कैंडल्स और इसके ऊपर जानबूझ के फैलाया जाता था कि ये चीजें पेयर पॉपुलर हो जाता है, स्कैंडल नहीं भी आर्टिस्टों का तो स्कैंडल जान के बना दिया कि ताकि जरा थोड़ा स्पाइस ऐड हो जाए, उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाए। हाउ डू यू फील दैट वाज बेटर टाइम और दिस इज लाइक ओके टू नॉट हैव अ स्कैंडल? नो, आई थिंक दीज आर बेटर टाइम्स। रियली? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तब लोगों के पास बहुत ज्यादा छक्के मारने के एवेन्यूज थोड़े कम थे। अच्छा, अब बहुत ज्यादा है। लोग YouTube पे वीडियोस भी बना रहे हैं, लोग TikTok पे भी हैं, लोग Instagram पे भी हैं, लोग एंडोर्समेंट्स भी कर रहे हैं, हर जगह हैं एक्टर्स। लेकिन डू यू थिंक पेयरिंग आल्सो डज मैटर? इट डज वर्क्स। वी हैव अ लॉट ऑफ पार कपल हु सेल्स इन द इंडस्ट्री, बट आई थिंक दैट इज वेरी शॉर्ट लिव्ड। अनफॉर्चुनेटली हम उस इंडस्ट्री का अभी इस वक्त खास तौर पर हिस्सा हैं जहाँ पे कॉन्टेंट और क्राफ्ट की बजाय कॉन्ट्रोवर्सी और क्रिटिसिज्म ज्यादा बिक रहा है। यू थिंक सो? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। ओके, बट आई थॉट दैट इज जस्ट ऑन सोशल मीडिया। बट सोशल मीडिया इज एवरीथिंग राइट नाउ। पब जो आपके टीवी के ड्रामों की रेटिंग लेके आते हैं लोग या फिल्म देखने जाते हैं टिकट खर्च के, उनको कॉन्ट्रोवर्सी, वो सोशल मीडिया की कॉन्ट्रोवर्सी के लोग और हैं, नहीं? दैट्स व्हाट आई बिलीव। आई थिंक यू आर राइट। हाँ, है ना? तो इसलिए उनको तो काम चाहिए होता क्योंकि है। इवन हमारे लेकिन वो अगर किसी पेयर को पसंद एक साथ करते हैं, मैं खुद एक्सपीरियंस करती हूं, इसलिए अगर वो माहिरा और फवाद को देखना चाहते हैं तो दे लाइक टू वॉच देम टुगेदर, ऐसा है ना? बिल्कुल। या कोई और कपल जैसे हैं, ठीक है, तो कभी कभी बन भी जाना चाहिए कपल, क्या फर्क पड़ता है? आई थिंक दैट द कपल और एनी प्रोजेक्ट व्हिच ट्राइज टू ब्रिंग इन द सेम कपल अगेन, it doesn't work, it never works. A lot of pressure. Yani naturally hona chahiye na. Koi mujhe bata de ki jinka back to back inka hi bas hit hota ja raha hai aapas mein, mega hits hone wala hai, fikar na karo. Meri aur Neelam ki film bhi hit hui thi aur Qiyamah drama bhi super hit tha. Inshallah. Aur ek aur drama wo bhi hit tha, ek aur film bhi kar rahe ho bhi hit hai. Aur chakkar bhi inshallah super hit tha. Haan, kya yaar, kyun nahi? Fawad aur Mara ko ikattha kar do, bhi hit ho jayenge. No doubt about that. Ho jayenge. लड़की नहीं मिलती ये क्या यार, क्यामत में दोनों लड़कियां, मुझे इतनी हंसी आई। पहली तो ही नीलम मुनीर, वो भाई ले गया प्यारी लड़की, दूसरी भी प्यारी लड़की सिद्रा, वो नूर भाई ले गए, नूर भाई ले गए और इंस्टा पे पोस्ट कर आपके फैंस ने तो ये मुहिम भी चलाई कि जस्टिस फॉर हारून शाहिद कैरेक्टर, बस कर दो यार, बस कर दो इसके साथ, बस कर दो। क्या होता है ये यार? होता पता नहीं क्या है यार, एंड पे जब मिली भी है किसी ड्रामे में तो उसमें भी एक मार दिया, फौरन फौरन मार दिया। आए आए, सो आई डोंट नो, कुछ है मेरे साथ, कोई मसला है। आई थिंक द प्रोड्यूसर्स द राइटर्स आर लाइक के एक खातून बहुत खुश होती है, मगर इस चीज से मुझे लगता है आपकी बीवी बेगम कहती कोई नहीं मिलती मेरे अलावा, तो सब कोई मिलेगी भी नहीं तुझे।